मेरा नाम ममता राव है, मैं मेरठ से हूँ। मैंने अपना एमए 2018 में कंप्लीट किया 75% मार्क्स के साथ। लेकिन मेरा जो सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड कभी रहा नहीं, बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है। उसके बाद मैंने यूपीएससी के लिए एमए सोशियोलॉजी को चुना, लेकिन उस टाइम मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि नेट या फिर जेआरएफ जैसी चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। फिर एमए के दौरान ही मुझे मेरे किसी सर ने बताया कि आप जेआरएफ के लिए कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसका प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद मैंने इतना सीरियस इसको नहीं लिया, देन फिर भी मैंने तैयारी करनी अपने लेवल से शुरू की। तैयारी क्या, बस आप उसको समझ सकते हो कि बस मैंने ऐसे ही एमए वगैरह की किताबें पढ़ ली बस। तो मैंने कभी कोई ऐसी तैयारी बोलते हैं हम जिसे, वो मैंने की ही नहीं थी, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा उतना अच्छा नहीं रहा। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारे परिवार में कोई ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसी वजह से हायर एजुकेशन में जाना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि एमए करना सिर्फ एक, मान लीजिए, एक क्वालिफिकेशन है, बाकी उसे कुछ नहीं माना जाता। उसके बाद भी मैंने सोचा कि अब अगर मैंने सोशियोलॉजी लिया है तो इसमें मुझे कुछ करना है। फिर मैंने नेट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम 2019 में दिया। उस टाइम मैं नहीं कहूँगी कि मेरे कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, काफ़ी ख़राब मेरा स्कोर रहा था, 48% मेरा मार्क्स आया था उस टाइम। फिर उसके बाद मैं देती चली गई और ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था। लेकिन मैं कहूँगी कि इस बार मैंने पहले जो मेरे 3 अटैम्प्ट थे उनसे ज़्यादा मेहनत की है, और इस बार जो हुआ वो जो मैंने मेहनत की, वो मैंने मेहनत आरती मैम की वजह से की। बिकॉज जो मैं मानूंगी कि भाई मेरा मोटिवेशनल जो भी रहा है वो आरती मैम को ही ले लीजिए, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी ना तो टेलीग्राम में चलाती थी और ना ही मैंने ऐसी कोई चीज़ यूज़ की थी, ना ही ऑनलाइन स्टडी वगैरह। फिर मैंने देखा, एक दिन मैं ऐसे ही कुछ सर्च कर रही थी तो मैंने वहाँ आरती मैम को देखा और मैंने इनका ग्रुप ज्वाइन किया। फिर मैंने पर्सनली मैम से बात की, बोला मैंने कि भाई कि अब मेरा है कि मैं कर भी करूँ भी कैसे, मैं बिल्कुल, मतलब मेरा ब्लैंक ही हो चुका था कि इतने टाइम मैं दे चुकी हूँ और मुझे लगता था कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और उसके बाद भी मेरा नहीं होता। फिर मैम ने मुझे बताया कि मेहनत करना एक सही चीज़ है और एक सही दिशा में मेहनत करना एक सही चीज़ होती है। फिर मैंने वो मैम की सलाह से उस सही दिशा में इस बार मेहनत की, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा रहा या जो भी मैंने ये किया वो किया, नहीं। मेरे लिए जितना भी मेरा आज हुआ है वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जेआरएफ करना, मैं मुझे पीएचडी करनी करना मेरा एम नहीं है, तो इसीलिए मैं जेआरएफ को ज़्यादा लेके चली नहीं थी। मेरे लिए नेट भी काफ़ी था, क्योंकि बस वो मुझे करना था, और उसमें जो मेरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली भी है उसमें, मेरी फैमिली ने भी, और कुछ फ्रेंड्स भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा हर तरह से साथ दिया है, और जो सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया या फिर मुझे मोटिवेट किया वो आरती मैम ही हैं, उन्हीं की वजह से आज मेरा नेट हुआ है। अब अगर बात करें कि मैंने पढ़ाई कैसे की, तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए, मेरा मैथ वीक है बिकॉज मैंने बीएससी मेरी बायो से रही है तो मेरा मैथ का बैकग्राउंड कभी नहीं रहा, तो हमेशा से मेरा डीआई वगैरह में फर्स्ट पेपर छूट जाता था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप फर्स्ट पेपर में कवर नहीं कर पाते हैं, तो मैंने ग्रेड अप की कुछ फ्री क्लासेस की, उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की मैंने और उनसे मैंने प्रिपरेशन की, तो मुझे वो काफ़ी बेनिफिशियल लगी। अगर तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उसे ज़रूर देखें, ग्रेड अप वाले, अच्छा अनअकैडमी, ग्रेड अप, ये सारे लोग, इनकी जो फ्री क्लासेस होती हैं वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा अपना देते हैं। और मैंने KBS मदान सर की बुक ली थी फर्स्ट पेपर के लिए, मैंने वो किया, और सेकंड पेपर के लिए मैंने मैम की ही वीडियो देख के नोट्स बनाए, वही नोट्स मैंने बार बार रिपीट किए, और अरिहंत की एक मैंने रेफरेंस बुक ली थी, और बाकी जो मैम ने बुक बताई हुई थी अपनी बुक लिस्ट में वो बाकी सारी मेरे पास थी पहले से ही, मैंने वो सारी बार बार सिर्फ पढ़ी हैं। उससे अलग अगर हम बात करें कि
इस सेकंड पेपर में ऑनलाइन मैंने आरती मैम से अलग किसी भी और टीचर का नहीं पढ़ा है, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि काफ़ी टीचर हैं सोशोलॉजी के लिए, लेकिन वो सब इंग्लिश मीडियम के हैं। अगर हम हिंदी मीडियम में जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आरती मैम से अलग कोई हिंदी मीडियम में पढ़ाता होगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ अपना फोकस वहीं तक रखा, क्योंकि अगर हम फिर इधर उधर जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर हम बात करें कि मैंने कितने टाइम स्टडी किया, तो इस बार मेरा था मुझे था कि इस बार मुझे करना ही है, क्योंकि पहले भी मैंने तैयारी की है इस पेपर के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उतना सीरियस होकर शायद नहीं मैं कर पाई हूँ। तो मैंने इस बार मैं 6 से 7 घंटे अपना उसी टाइम से लेके चली हूँ, जब 6 महीने से ही, जब से मैंने तैयारी शुरू की थी दिसंबर वाला एग्ज़ाम देने के बाद से ही मैं अपना 6 घंटे लेके चली हूँ। और जैसे एग्ज़ाम पास आया तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई मैंने की है। उसमें क्विज होते थे जो कि मैम कराती थी, अपना क्विज बना के सेंड करना, मैम ही के ग्रुप में से हमने कुछ बच्चों ने इकट्ठा होकर ग्रुप बनाया, बस वो वहाँ डिस्कशन किया, यही सारी चीज़ें की हैं। और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर सोशोलॉजी का बच्चा है और वो उस ग्रुप के अंदर है, टेलीग्राम के हमारे ग्रुप के अंदर है, और उसे सही में करना है, तो वहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो उन्हें सही सलाह देंगे और सपोर्ट करेंगे। तो आप ज़रूर से आके चैनल ज्वाइन करिए, अच्छी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। अब मेरा बस जो आगे बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं सब के लिए यही रहेगा कि मतलब अगर आपको आपके मन में है ना वो चीज़ कि आपको करनी है, तो वो मोटिवेशन आपको अंदर से मिलेगा। बाहर वाले लोग क्या हैं कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन वो फीलिंग आपके अंदर भी आनी चाहिए कि आपको मोटिवेट होना है और आपको ये करना ही है, तभी आप उसमें कुछ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20-25 किताबें पढ़ लें, नहीं, आप 2 किताबें 4 किताबें भी पढ़ रहे हो, लेकिन वो किताबें ऐसी पढ़ो कि आपको पता हो कि हाँ भाई मैंने इसे पढ़ा है, अगर आप कहीं देखो तो उसे कर सको। और सेकंड चीज़ क्या है जो कि मुझे आरती मैम से ही सीखने मिला है कि क्वेश्चन को हमेशा हमने एक बार पढ़ा, नहीं समझ आया 2 बार पढ़ा, और अगर हम उसे 2 बार पढ़ लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ उसमें से मिल जाती है जिससे कि हम उसे कर सकते हैं, और वो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। और मैंने इस एग्ज़ाम में ऐसा किया, मैं पहले क्या करती थी कि उसे बहुत जल्दी पढ़ा और छोड़ दिया कि मुझे नहीं आता, लेकिन अगर हम उसे बार बार पढ़ेंगे तो वो होगा। दूसरा, अगर हमारा मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो हमें DI को ज़्यादा ये नहीं है कि भाई हमें सीख के ही जाना है और हमें DI करना ही है, नहीं, हम जो अलग चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, DI को हम स्किप कर दें, और अलग अगर जब हमारे पास टाइम बचता है तो हम थोड़ा बहुत मैथ कर लें तो उससे हमारा DI कवर हो जाता है। मैं बस यही कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरा अगर कुछ हुआ है बेशक से वो नेट ही सही, वो मेरे लिए बड़ी बात है और वो आपकी वजह से हुआ। थैंक यू।